पीछे डालो अब ले रहा हूँ परफेक्ट स्नैप अच्छी एक्टिंग करना भाई तुम लोग अभी तक 40-50 किलोमीटर हुआ था जो मैं चला रहा था और अब ड्राइवर सीट पे ठीक है लो गाइस पीछे सीट वालों को देखो ये एक दो दो सीट बेल्ट लगा के रॉबिन बैठा हुआ है तनिष्क और आयुष ने भी सीट बेल्ट लगा रखा है भाई इंप्रेशन देख रहे हो तुम्हारा कैसा है मैंने ये पहले भी कहा है और फिर से कहूंगा आयु ओझा और ऋषि जैन कहीं ट्रिप पे निकले और कोई कांड ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कटते कटवाते हम पहुंचे अपने आज के डेस्टिनेशन पे व्हिच वाज होगेनक्कल वाटरफॉल्स। कैसा लग रहा है टीके सी 1000 रुपए कटवा के भाई? कट गया भाई, बुरा कटा यार, कम हो सकता था यार, थोड़ी और मेहनत करनी थी, थोड़ा सा और एक्टिंग करते तो और कम होता, लेकिन ठीक है ज्यादा एक्टिंग नहीं की, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। देखो भाई आए तो थे हम लोग होगेनक्कल वाटरफॉल, बट आने में बहुत कटा हमारा और यहाँ पहुँचने के बाद रियलाइज हो रहा है कि इसके पहले जो हमारा कटा था वो कुछ भी नहीं था। क्या है ये? मतलब भाई इंस्टाग्राम पे रील वाले जो होते हैं ना, कुछ भी में ड्रोन शॉट उड़ा देते हैं और उसको कलर ग्रेड कर देते हैं तो लगता है बहुत सही जगह है, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि बोट जहाँ से बोटिंग कराएंगे वो अच्छा हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि अच्छा हो, वरना व्यू दिखा दो इनको, व्यू वरना क्या है ये, नंगे लोग दिखा दो, कच्चे में ना रहे सारे रोंडे और भाई काले काले अन्ना लोग आते हैं बोलते मसाज ले लो, फुल बॉडी मसाज एकदम काले काले से रखते हैं एकदम तेल लेकर के, फुल बॉडी एकदम चिपचिपा खुद चमक रहा होता है, बॉडी बिल्डर्स के जैसे टैन लगा रहता है ना वही चीज, बस विदाउट अ फिजिक। जा रहे हैं कुछ करने तूफानी, पलटेंगे नहीं ना भाई, बैठना कितना, बाकी दो मेंबर वहां पे, वहां से आओगे लेने आ रहे हैं भाई तुम्हें ये इधर। बाय गाइस। ओके सो हम लोग अभी रियलाइज हुआ फिर से कट गया हम लोग का। ऋषि भाई आके समझाओ कैसे कटा है हम लोग का फिर से, कि हमारे पीछे एक बंदा पड़ गया था नाव में वो हम लोग को ले जाने के लिए, बीच में पैसा कमीशन खाने के लिए वो बंदा, तो उसने बोला 2 बोट्स लगेगी 3000 रुपये लगेंगे और मतलब 1 बोट का 1500 है और अगर एक और बंदा, उसमें 4 लोग हैं और अगर एक और बंदा हुआ तो फिर 3000 रुपये लगेंगे, लेकिन उसने हमसे 2500 लिए, 1 बोट बुक की, हम 3 लोगों को बैठाया, आधे रास्ते छोड़ा, 2 को वापस लेने गए और 1000 रुपये उसने अपनी जेब में डाल लिए। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, सैड हो गया भाई, सैड हो गया, मतलब मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ आने के लिए, बहुत बकवास है। अभी तक अगर आपको काले लोगों से मसाज लेना है, अगर आपका ऐसा कुछ फेटिश है तो फिर गो फॉर इट, थोड़ी देर में कुछ चालान देना है तो हाँ चालान देना है वो तो स्टोरी भी, चालान वाला तो मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा भाई, अभी देखते हैं, अभी तक का यही ओपिनियन है, क्या पता ये बोट का जो 1.5 घंटे का टाइम है उसमें हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए, यू नेवर नो, कुद्रेमुख में भी ऐसा ही हुआ था, आई जस्ट होप कि ऐसा अपना ओपिनियन चेंज हो जाए। चल रहा है हम पे, सनकिस्ट वीडियोस आ रही हैं, हैशटैग सनकिस्ट, हैशटैग बॉन्डर, कंफर्टेबल हो गया भाई, सीधे बैठ जा भाई, हां भाई वेट उस साइड ज्यादा हो गया, ढीला हो गया हूं भाई, अरे तनिष्क अकेले संभाल लेगा भाई मेरे में, रोड ट्रिप बचा है अभी फिर से, क्रोकोडाइल के पास चलना है। तो होगी नक्कल वाटरफॉल से हम लोग आगे आ गए एंड यहाँ बीच में
एक एरिया है जहाँ पे ऑल्दो लिखा हुआ तो है नो पार्किंग, लेकिन अब हम लोग क्योंकि बेशरम हो गए फाइन भर भर के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि चलो टाइम लैप्स बनाते हैं। छोड़ दिया भाई हमें। तू क्यों व्लॉग करने लगा? व्लॉग करने पर